नाम से मशहूर दिलीप राणा भारत के वह नाम है जिन्होंने रेसलिंग में भारत का नाम तब ऊंचा किया जब क्रिकेट के अलावा किसी और खेल की कोई खास पूछ नहीं थी। इससे पहले भारतीय भी WWE रेसलिंग के नाम पर अंडरटेकर जैसे कुछ नामों से ही खुद का मनोरंजन किया करते थे। उन्हें ही वह महाशक्तिशाली समझते थे, किंतु खली ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार धूल चटाकर खुद को साबित किया। पहली बार तो जब उन्होंने अंडरटेकर को बुरी तरह हराया था तो पूरी दुनिया हैरान ही रह गई थी। आखिर कैसे बने खली इतने बड़े रेसलर और कैसे वह अमेरिका तक पहुंचे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1972 में हिमाचल के गिरायना में पैदा हुए खली शुरुआत से आम बच्चों की ही तरह थे, किंतु जैसे जैसे वह बड़े हुए उनका शरीर अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ा और भीमकाय होने लगा। बढ़ते वक्त के साथ उनका शरीर बढ़ना बंद नहीं हुआ। अब वह इतने विशालकाय हो चुके थे कि बाजार में उनके नाप के जूते तक नहीं मिलते थे। उन्हें मोची से अपने नाप के अलग जूते बनवाने पड़ते थे। खली की लंबाई 7 फुट 1 इंच है। वही उनके वजन की बात करें तो वह 157 किलो के हैं। उनके करीबी लोग इस बात से परेशान रहते थे कि उनका भविष्य क्या होगा। तभी एक दिन शिमला घूमने आए पंजाब पुलिस के एक अफसर की नजर उन पर पड़ी। वह खली के शरीर को देखकर दंग रह गए। वह आगे बढ़ते हुए खली के पास आए और उन्हें पंजाब पुलिस का हिस्सा बनने को कहा। और जैसे कि खली के पास उस वक्त कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। पंजाब पुलिस में रहते हुए खली ने अपनी शारीरिक कसरत जारी रखी। बाद में उन्हें पता चला तो वह बॉडी बिल्डिंग भी करने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई और वह 1997 में मिस्टर इंडिया बने। 1998 में उन्होंने इस कारनामे को फिर से दोहराया। क्योंकि रेसलिंग उन दिनों पसंदीदा खेल बनती जा रही थी, इसलिए खली ने भी इसके लिए खुद को तैयार किया। मैच कुछ ही दिनों में कड़े प्रशिक्षण के बाद वह पेशेवर रेसलर बन गए। अब उनकी परीक्षा का वक्त था। वह WWE में भारत का डंका बजाने के लिए अमेरिका पहुंच ही गए। अपने एक मुकाबले के लिए खली जैसे ही मैदान पर उतरे, लोगों की आंखें उनके शरीर को देखकर खुली की खुली रह गई। सब उनकी ही बात करने लगे। दिलचस्प बात तो यह थी कि उनका मुकाबला विश्व प्रसिद्ध अंडरटेकर से था। घंटी के साथ शुरू हुए मुकाबले को खली ने कुछ ही देर में खत्म कर दिया। उन्होंने इस मुकाबले में अंडरटेकर को बुरी तरह पीटते हुए चित कर दिया। इस कारनामे ने खली को सुर्खियों में ला दिया। आगे भी यह सिलसिला चलता रहा और उन्होंने रेबैक, बिग शो, मार्क हेनरी और बटिस्टा जैसे नामी पहलवानों को रिंग में मात दे दी। सालों तक खली का WWE में दबदबा रहा। इस दौरान उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार भी मिले। वह टीवी शो बिग बॉस के सीजन 4 में भी सलमान के साथ मंच पर दिखे और अपने चाहने वालों को लुभाया। 2012 में उन्हें एक ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। इस वजह से उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग से संन्यास ले लिया। आजकल वह रेसलिंग को अलविदा कह चुके हैं और भारत के नए युवाओं को WWE के लिए तैयार कर रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि गांव में जन्मा एक आम बच्चा आगे जाकर इतना बड़ा रेसलर बन जाएगा। खासकर खली के गांव के वो लोग तो आज अपनी उस हरकत के लिए पछताते ही होंगे जिन्होंने खली के विशालकाय शरीर को लेकर उनका कई बार मजाक बनाया था। दोस्तों, इस वीडियो का अंत में इन 4 लाइनों के साथ करना चाहूंगा। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो